नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर के आए जो स्वराज ट्रैक्टर होता है, 35 से 45 HP का जो ट्रैक्टर होता है, उसके अंदर हम कटर थ्रेसर के अंदर कौन सा पुली लगे जिससे आपके ट्रक की एक तो डीजल खपत कम हो और ट्रैक्टर पे लोड ना पड़े और ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस भी कम आए और थ्रेसर को भी है ना जो अच्छा RPM मिल सके और अनाज साफ निकाले। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम स्वराज 35 से 45 HP तक के ट्रैक्टर के अंदर थ्रेसर में कौन सी पुली चाहिए वो आप उसके बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, ये थ्रेसर का मॉडल बन रहा है, ये सिंगल फैन वाला है, डोली वाला मशीन है। इसके अंदर हमने जो पुली लगाया है ये वैसे तो DI का पुली है, मैसी DI का जो पुली आता है, मैसी DI 241 के अंदर जो चलता है वो वाला पुली है। ये मशीन मैसी DI का है। अब इसके अंदर आपको अगर स्वराज के अंदर चलाना है, स्वराज के अंदर आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर क्या किया है हमने, ऊपर बड़ी पुली लगाया और नीचे छोटी पुली लगाया। तो आपको स्वराज 35 से 45 HP के अंदर आपको उल्टा करना है, बड़ी पुली नीचे लगता है और छोटी पुली ऊपर लगता है। जैसे ऊपर अगर 12 इंच का लगा हुआ है, सही ना, अभी इसके अंदर अगर ऊपर 12 इंच का लगा हुआ है, नीचे इसके अंदर है 10 इंच का, और आपको स्वराज के अंदर उल्टा करना है, नीचे आपको 12 इंच का लगाना है और ऊपर आपको 10 इंच का लगाना है, जिससे क्या होगा कि आपके ट्रैक्टर की जो रेस है वो ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी और मशीन को भी जो RPM मिल रहे हैं वो आपको 600 से 700 RPM आराम से मिल जाएंगे। इसके अंदर फिर आपके जो ट्रैक्टर है वो लोड नहीं लेता है और ट्रैक्टर के अंदर डीजल की जो खपत आती है वो भी कम आता है। तो स्वराज के अंदर ओनली ये पुली लगाना है भाई। आपको जैसे सीधे सीधे बता दूँ तो आपको है ना जो 2 इंच का गैप रखना है, मतलब दोनों पुलियों के अंदर 2 इंच का गैप होना चाहिए, नीचे 10 ऊपर 12 का। और अगर आपको जैसे डोली एलिवेटर है, अगर एलिवेटर अगर अनाज नहीं उठा रहा है, कम उठा रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये पुली तो सब में एक आती है, 4.5 इंच का आता है, 4.5 इंच का पुली आता है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ऊपर वाली के अंदर आपको 8 इंच का पुली लगाना है। कई क्या करते हैं कि 9 इंच का पुली लगा देते हैं इसके RPM कम करने के लिए, तो आपको 9 इंच का हटा के 8 इंच का लगाना है, जिससे क्या है कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा और अनाज को जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करिएगा। किसान भाइयों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।